चेंजेस होना या उसमें सुधार लाना, सुधार आना। बहुत बार ऐसा होता है कि आप कभी भी जाओ, एक तो ऐसे देखने में आता है कि स्टाफ व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं या मोबाइल पे लगे रहते हैं और बोलते हैं कि हम बिजी है, तो ये देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी उसके लिए मेरा एक सजेशन था, आप मालूम नहीं मुझे कितना हद तक आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकोगे, लेकिन मेरा एक सजेशन था कि ये उसमें चेंजेस लाने के लिए आप इंटर ऑफिस या इंटर डिपार्टमेंट या इंटर ऑफिस में अगर कुछ उसमें कुछ सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिशन रहे और उसमें या तो स्टार रेटिंग हो या वो इंटर ऑफिस, जैसे अभी इंटर सिटी कॉम्पिटिशन था इसके बारे में, स्वच्छता के बारे में, ऐसे अगर कुछ डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट या ऑफिस टू ऑफिस कुछ कॉम्पिटिशन रहे तो ऑटोमेटिकली उसमें ये आ जाएगा, उनके मन में आ जाएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हो सकती है, जैसे कि कितने एप्लीकेशन आए, कितने डिस्पोज हो गए, कितने पेंडिंग हैं, क्या है, वो एक चीज़ हो सकती है, या और बहुत सारे उसमें ये हो सकते हैं, यूनिट्स हो सकते हैं। एक काय तुम्ही ते प्रश्न चांगले आहेत, हां काय, पण आपण इतरांनाही संधी देऊया, सेकंड राऊंड मध्ये तुमचा परत येऊ। अच्छा अच्छा ठीक आहे, प्लीज। यस ठीक आहे। तो आय एम जस्ट स्टॉपिंग इन, लेट अदर्स ऑल्सो कॅन आस्क। आणि कोणाला काय विचारायचं आहे? और एक ही चीज मैं बता दूं, बिफोर सेकंड राउंड अजून वेळ भरपूर आहे आपल्याकडे। थँक यू। यू आर हियर अप टू एटलीस्ट 6 नो? यस यस, थँक यू। ओके थँक यू। माहिती घर के बारे में आपने बोला, वो सही बात है कि माहिती घर से काफी मदद मिल रही थी लोगों को, लेकिन क्या हो रहा था, कई माहिती घरों में वो बहुत ज्यादा, ऐसा हर जगह नहीं लेकिन कई जगहों में बहुत एक्सॉर्बिटेंट रेट चार्ज कर रहे थे, और उनको क्या मेन प्रॉब्लम तो ये था कि उनका आईटी डिपार्टमेंट के साथ एग्रीमेंट बहुत पहले खत्म हो चुका था, उन्होंने कभी वो रिन्यू नहीं करवाया, इसके बावजूद वे लोग आराम से चलाते जा रहे थे, तो जो सरकार को उनको वो जो एग्रीमेंट सरकार के साथ करनी थी वो बहुत पहले खत्म होने के बावजूद, रिन्यू नहीं होने के बावजूद वे लोग चला रहे थे, तो वो तो सच में इलीगल था, वो ऑथराइज नहीं था, लेकिन आइडिया ये था कि माइटी घर को हटा के कॉमन सर्विस सेंटर CSC को शुरू किया जाए हर ऑफिस में, और उसकी शुरुआत जल्दी होने वाला है, मडगांव सांगुआ कलेक्ट्रेट मडगांव में पहला CSC होगा, उसके तुरंत बाद में हर तालुका में CSC का स्पेस ये सब आइडेंटिफाई कर चुके हैं, उसमें लगेगा एक 4-5 महीना और लगेगा हर तालुका तक पहुंचने में, वो CSC जब लगेगा वो माइटी घर से भी बेटर रहेगा, तब आपको और सुविधा होगी और वो पूरे सिस्टम के साथ चलेगा, जिसमें अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली अप्लाई करना चाहते हो, स्टेटस जानना चाहते हो, इनफैक्ट सिर्फ कोई एप्लीकेशन नहीं बल्कि आपके जो आपका पानी का बिल हो, बिजली का बिल हो, बाकी सब सुविधाएं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो सब उस कॉमन सर्विस सेंटर के उसमें आ जाएगा, तो वो आपका कहना बिल्कुल सही है, बट वी आर ऑन द जॉब, वो कॉमन सर्विस सेंटर जल्दी शुरू होने वाला है। जो आपने RTI का बोला, आई एम 100% विथ यू, वो ऐसा कहना तो कि इसी फॉर्मेट में दे दो, ऐसा कुछ RTI एक्ट में नहीं है, और हैंड रिटन होना चाहिए, सिग्नेचर तो होना चाहिए लेकिन हैंड रिटन होना चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। जो पेमेंट का भी आपने बताया, ज़रूर मैं आज टॉक टू मामलेदार बात हुई, इसके बाद मैं जब जा रही हूँ रस्से में ही मैं बात करूँगी। जो आपने बताया कि कई ऑफिसेज में सुधराव नहीं हो रहा है या बहुत कम रेट में हो रहा है, और मैं खुद मानती हूँ कि हर ऑफिस में या हर डिपार्टमेंट में एक तरह से सुधराव नहीं आया है, लेकिन जैसे मैंने बोला उसके लिए हमें और भी मेहनत करनी है एज अ कम्युनिटी, एज पब्लिक, जब जितना हम प्रेशर डालेंगे उतना ज़्यादा और उतनी तेज़ी से बदलाव आएगी। और आपने ये बोला कि स्टाफ का इनडिसिप्लिन, ये तो एक पेरिनियल प्रॉब्लम है, ये मैं मना नहीं कर रही हूँ, आजकल डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, ये तो हर एक HOD को, जो ऑफिस का जो हेड है, हर ऑफिस का है, नॉट HOD, हर ऑफिस का है, उनको थोड़ा सा ये मेहनत तो करनी पड़ेगी डिसिप्लिन को लागू करने के लिए। अगर ये सोचते रहेंगे अरे मैं अगर शो कॉज नोटिस इशू करूँगी तो मैं अनपॉपुलर बनूंगी और लोग बोलेंगे कि ये बहुत स्ट्रिक्ट है, ये स्टाफ की ख्याल नहीं रखती है, ऐसे अगर सोचेंगे तो वो वैसे की वैसे ही रहेंगे। हर ऑफिस का जो एक मेन जो अधिकारी है उनको उसमें इंटरेस्ट रखना है,
फॉर मेंटेनिंग द स्कूल. और आपका जो सजेशन है वो एक इंटर डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिशन है का या इंटर ऑफिस वो बहुत अच्छा है, उस पर जरूर विचार करना चाहिए. Hello, my name is Prashant Vase from Honda. This is regarding residence certificate. First of all, I will explain in Marathi regarding residence certificate. काय अंतिम दिन वर्ष भरी residence certificate काय केलं होतं, पण problem असा होता की आमची सर्विस ट्रान्सफरेबल होती, म्हणजे फ्रॉम वन तालुका टू अनदर तालुका. मग ज्यावेळी मी रेझिडन्स सर्टिफिकेट अप्लाय केलो त्यावेळी त्या तालुक्याचं मामलेदारचं सर्टिफिकेट आणलं. मग असं जर झालं की समजा माझी सर्विस 15 वर्षाच्या कालामध्ये 5 तालुक्यामध्ये ट्रान्सफर झाली, म्हणजे 5 तालुक्यांचंही मामलेदारचं सर्टिफिकेट आणावं का, म्हणजे हे म्हणजे कितपत योग्य आहे असं झालं. सदैवाने माझं फक्त अजून ट्रान्सफर झाले होता त्यामुळे मला काही प्रॉब्लेम आला नाही, पण आत्ता जर कोणी रेझिडन्स सर्टिफिकेट घेतलं असेल आणि त्याच्यामध्ये काही जर बदल झाला असेल तर त्याने अवश्य सांगावं, अदरवाईज मी त्यांना तर माझं मत सांगणार. रेगार्डिंग रेझिडन्स सर्टिफिकेट यू अंडरस्टँड करतो, सो इज देअर एनी चेंज? Your point is well taken that if there are 5 different transfers and from each of those mamledars you must have stayed in one taluka for 5 years and next because of this 15 years continuous residence clause. In this actually if I can share with you honestly, there were some mamledars who were saying in my taluka he has resided only for 5 years so I will never issue that residence certificate. That we have changed. We have said that based on the report of the concerned mamledar, if cumulatively what we are concerned of is whether 15 years of residence in Goa is it. So there were cases, in fact initially also I remember there were cases, yeah, where this is 3 years back. Yes, yes, yes. No, no, even now such cases may exist, I'm not denying that, but yes, around 3 years back only I'm saying that somebody was there who wanted a residence certificate for admission purpose. That person had 5 years of residence in South Goa, then that person later shifted to North Goa and continued to stay there. This particular mamledar, I will not mention which mamledar, said that because that person has not been in North Goa district, I will not for 15 years, I will not issue the residence certificate. When this came to our notice, we immediately issued instruction to the mamledar that whether you are in North Goa district or South Goa district is of no relevance. That person's 15 years continuous residence in Goa as a state is important. So based on certificate issued by South Goa mamledar, if that is for 5 years and remaining 10 years that person has resided in our district or any taluka, cumulatively you have to issue the certificate for 15 years residence. This point is valid, but again the issue is that when we are issuing the residence certificate, we should be careful about that 15 year clause because this 15 year clause is there. So till that clause is there, it will be necessary to get that certificate from each of the mamledars. Either we should do away with that 15 year clause, otherwise I can't think of another method. Okay. Yes. Anybody is working for an organization for last 15 years or 20 years. Yes. If issuing is issuing certificate, so and so person is with us with 20 years, on that basis, can you issue a residence certificate? That is a good idea. Now, there again the question will be, is it a private firm? Is it a government department? If it is a government department, we will be more comfortable saying, all right, if electricity department is certifying that so and so has been our staff for 15 years and has been working in Goa, that we have more validity than a private establishment. But I do agree that we must accept the private companies or private establishment certificate also. This would require definitely a notification from the government. Idea is good. I will discuss it with Secretary Revenue and even try to see what that's what there is. So, easy to get a residence certificate.